खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है। अब फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। देश के प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगमवाड़ी मठ में पूजा अर्चना की। इस दौरान वहां लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में राष्ट्र का ये मतलब कभी नहीं रहा कि किसने कहां जीत हासिल की, किसकी कहां हार हुई। हमारे यहाँ राष्ट्र सत्ता से नहीं, संस्कृति और संस्कारों से सृजित हुआ है, यहाँ रहने वालों के सामर्थ्य से बना है। जो विरोध की वैर की भावना से ऊपर उठ गया है। साथियों, भारत में राष्ट्र का ये मतलब कभी नहीं रहा कि किसने कहां जीत हासिल की, किसकी कहां पराजय हुई। हमारे यहां राष्ट्र सत्ता से नहीं, संस्कृति और संस्कारों से सृजित हुआ है, यहां रहने वाले लोगों के सामर्थ्य से बना है। ऐसे में भारत की सही पहचान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व हम सभी पर है, गुरुओं, संतों और विद्वानों पर भी है। हमारे ये मंदिर हो, बाबा विश्वनाथ सहित देश के 12 ज्योतिर्लिंग हो, चार धाम हो, या वीर शैव संप्रदाय के 5 महापीठ हो, शक्तिपीठ हो, ये दिव्य व्यवस्थाएं हैं। ये सारे धाम आस्था और आध्यात्म के ही केंद्र नहीं हैं, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी मार्गदर्शक हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचकर जनता को सत्ता का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उनका और यूपी बीजेपी के नेताओं का विरोध करने से पीछे नहीं हट रही। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस ने ट्विटर को अपना हथियार बनाया है। यूपी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा कि आज पीएम काशी में आए हैं तो यूपी बीजेपी वाले हैशटैग नई यूपी की नई काशी हैशटैग चला रहे हैं। काशी में अभी 24 घंटे पहले आर्थिक तंगी से तंग आकर एक व्यवसायी ने अपने पूरे परिवार समेत आत्महत्या कर ली। काशी में ताबड़तोड़ हत्याएं हो चुकी हैं। पूरे प्रदेश में बलात्कार चरम सीमा पर है। क्या यही नया यूपी है? वहीं दूसरी ओर यूपी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अगले ट्वीट में उप मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए लिखा कि केशव जी, वैसे तो आप योगी जी के कहने पर ही बोलते हैं, लेकिन जनता ने आपको सामाजिक न्याय के लिए चुना था। आपके सामने योगी जी, मोदी जी मिलकर आरक्षण खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नया यूपी। इस नए सामाजिक न्याय विरोधी यूपी में आपकी भी भूमिका है क्या? इसके अलावा सपाइयों ने पीएम मोदी के काफिले को काला झंडा दिखाकर स्वागत किया। बहरहाल पीएम मोदी के वाराणसी आने पर कम से कम कांग्रेस और सपा तो अपने विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि बाकी विपक्षी पार्टियों ने हल्की हल्की सर्दी में अपने घरों में रहकर चाय की चुस्की लेना ज्यादा पसंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।